एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट। मित्रों, मंत्रिमंडल को ब्रिटिश शासन पद्धति की भांति भारतीय शासन प्रणाली का हृदय कहा जा सकता है और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में जो भी कथन कहे जाते हैं वो भारतीय मंत्रिमंडल के संबंध में भी लागू होती हैं। जैसे सर जॉन मैरियट का कहना है कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता रहता है। रेमजी म्योर के शब्दों में मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है। और ग्लेडस्टन का कहना है कि मंत्रिमंडल वह सूर्य है, पिंड है, जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। तो हम भारत में मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित देखते हैं। पहला कार्य है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चय करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और विदेशी क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। यानी हमारी आंतरिक नीति क्या होगी, हमारी विदेश नीति क्या होगी, किसके साथ हमें दोस्ती करनी है, किन देशों के साथ दोस्ती नहीं करनी है, किसके साथ व्यापारिक संबंध रखने हैं, किसके साथ औपचारिक संबंध रखने हैं, ये सब मंत्रिमंडल तय करता है, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारित कर चुकने के बाद संबद्ध विभागों के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। जब ये नीतियाँ निर्धारित कर दी जाती है तो उससे संबंधित फिर विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि कानून बनाए जा सके। इस प्रकार कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार ही होता है। प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी कैबिनेट ही करती है और ये कथन भारतीय मंत्रिमंडल पर भी लागू होता है कि कैबिनेट के मंत्री लोग नीति निर्धारित करते हैं, विनिश्चय करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें विधि रूप में पास करना चाहते हैं और इसके बाद संसद को अधिकार देते हैं कि वह उनकी नीतियों और विनिश्चयों पर विचार करें तथा आवश्यक मतदान के आधार पर उन्हें स्वीकार करें। पहले मंत्रिमंडल नीति निर्धारित करता है, उसके बाद संबंधित विभागों के मंत्री जो है विधेयक तैयार करते हैं, विधेयकों को प्रस्तुत करते हैं, संसद विचार विमर्श करती है और आवश्यक मतदान के द्वारा उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत करती है। तो इस तरह से भारतीय मंत्रिमंडल का पहला कार्य है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। दूसरा कार्य और शक्ति है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार के समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र की और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है और सारी शक्तियाँ उसी के हाथों में होती है, लेकिन व्यवहार में जो वास्तविक कार्यपालिका है यानी मंत्रिमंडल जो है उसी के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मंत्रिमंडल ही सरकार की नीति को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है, इसलिए मंत्रिमंडल को ही अधिकार या शक्ति मिली भी है। राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है, इसलिए युद्ध, शांति या वैदेशिक नीति से संबंधित प्रश्नों का निर्माण या निर्णय भी वही करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल देश की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा राष्ट्रीय नीति का निदेशक होता है। अध्यादेश तथा प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और भी बढ़ गए हैं। मित्रों, इसमें दो शब्द आए हैं, एक अध्यादेश है। अध्यादेश राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जारी वो आदेश होता है जो कानून की तरह प्रभावी होता है, और ये कब आदेश जारी होता है, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है और किसी बहुत जरूरी कानून की आवश्यकता होती है तो वो अध्यादेश जारी किया जाता है। प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं कि आजकल व्यवस्थापिका ने कानून निर्माण का कुछ कार्य जो है वो मंत्रिमंडल को भी सौंप दिया है, जैसे कि विधेयकों को तैयार करना, इसको प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। तो ये प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और भी बढ़ गए हैं, और कहने को अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। तीसरा कार्य या शक्ति है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य।
प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि मंत्रिमंडल के समस्त विभागों में नीति व अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाए तथा उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए ही वर्तमान समय में मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना की गई है। मित्रों, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन जो होता है वो विभिन्न एजेंसीज या विभिन्न जो विभाग हैं उनके बीच में स्थापित किया जाता है ताकि कोई कार्य अतिरेक भी न हो, अतिरेक यानी बहुत ज़्यादा भी न हो जाए, कोई कार्य बिल्कुल ना हो ऐसा भी नहीं हो। यानी कोई विभाग किसी कार्य को कर रहा है तो उसकी जानकारी अन्य विभागों को होनी चाहिए, अन्य विभाग जो कार्य कर रहे हैं उनकी जानकारी पहले विभाग को होनी चाहिए ताकि सब अपना अपना काम करें, कोई एक दूसरे का काम नहीं कर रहा है ये पता चल जाए, और कोई एक प्रकार का कार्य कर रहा है तो दूसरा उस प्रकार का कार्य नहीं करता है। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन करने का कार्य विभिन्न विभागों के बीच में ये मंत्रिमंडल करता है, ये है उसका समन्वयकारी कार्य। चौथा है वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। इस हेतु इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सामने देश के संभावित आय और खर्च का ब्यौरा यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अतः अन्य वित्त विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है, तो वित्तीय कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मित्रों, हम सभी जानते हैं जब हमारे देश में बजट अधिवेशन होता है फरवरी मार्च में, तो संसद के सामने लोकसभा के सामने बजट प्रस्तुत किया जाता है जो कि एक साल का देश का संभावित आय और व्यय का अनुमान होता है, ब्यौरा होता है, और ये वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अन्य जो वित्त विधेयक है वो भी मंत्रिमंडल द्वारा ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला कार्य है या शक्ति है वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण। कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, और जब इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कोई संधि या समझौता हो जाता है और संसद को उनके संबंध में सूचना दे दी जाती है, और यदि आवश्यकता हुई तो संसद से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में संसद की भूमिका बहुत ही गौण होती है। इसका प्रमाण यह है कि 1971 में सोवियत रूस के साथ मैत्री संधि के विषय में लगभग 2 वर्षों से बातचीत चल रही थी, लेकिन संसद को इस संबंध में तभी सूचना मिली जबकि अगस्त 1971 में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। कई बार सरकार विदेशों के साथ गुप्त संधियां और समझौते करती है और संसद को इस संबंध में सूचना भी नहीं दी जाती। वैदेशिक संबंधों के संचालन में गुप्तता की आवश्यकता होती है और इसी कारण यह कार्य कैबिनेट के द्वारा ही किया जा सकता है, संसद के द्वारा नहीं। वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण मित्रों के मंत्रिमंडल ही रखता है। वैदेशिक संबंधों का अर्थ है किस देश से दोस्ती होगी, किससे दुश्मनी रहेगी, किससे हम संधि समझौते करेंगे, किससे हम अनौपचारिक या औपचारिक संबंध रखेंगे, जिससे भी युद्ध करना है, जो भी करना है वो सारा मंत्रिमंडल के द्वारा निश्चित किया जाता है, और मंत्रिमंडल आवश्यक हो तो संसद को जानकारी देती है, उसकी स्वीकृति लेती है, और जरूरी नहीं हो तो ऐसा वो नहीं भी करती है। इस तरह से कैबिनेट जो है वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखता है। ऐसे में प्रधानमंत्री हुए, विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री का कोई अन्य प्रतिनिधि जो है इस तरह के वैदेशिक संबंधों का संचालन करता है, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों से वार्तालाप करता है। नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है। ये बहुत बड़ा कार्य या शक्ति है मंत्रिमंडल का, नियुक्ति संबंधी कार्य। कहने को राष्ट्रपति का यह अधिकार या शक्ति है कि वो इनकी नियुक्ति करता है, इन पदाधिकारियों की
लेकिन व्यवहार में नामों का निर्धारण जो है मंत्रिमंडल ही करता है। जैसे कि संसद में जो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो, और इसी तरह से 2 लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं सदस्य, उनके नामों का डिसाइड करना, राज्यों के राज्यपालों का नाम फाइनल करना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नाम डिसाइड करना, राज्य का महाधिवक्ता या देश का महाधिवक्ता महान्यायवादी उसकी नियुक्ति, महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति यानी तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति। सेना के तीनों सेनाओं का सेनापति तो राष्ट्रपति होते हैं ना, तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष होते हैं, और आजकल एक और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो एक नया पद सृजित हुआ है, उन सब पर नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल ही तय करता है, राष्ट्रपति तो हस्ताक्षर ही करते हैं। अब आता है मित्रों मंत्रिमंडल की बैठकें कब कब होती है, ये तो उसके कार्य थे, कार्य या शक्तियाँ जो थी वो मैंने आपको मंत्रिमंडल की शक्तियाँ और कार्य बताए हैं, एक बार पुनः सुन लें आप। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ और कार्य में पहला है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, दूसरा है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, तीसरा है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य, चौथा है वित्तीय कार्य, पाँचवा है वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण, छठा है नियुक्ति संबंधी कार्य। अब हम पढ़ते हैं मंत्रिमंडल की बैठकें कब कब होती है। तो मित्रों मंत्रिमंडल की बैठकें प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होती है और प्रधानमंत्री के द्वारा ही इन बैठकों का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। साधारणतः मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में सप्ताह में एक बार से भी अधिक बार इसकी बैठकें हो सकती हैं। इन बैठकों में सभापति का स्थान प्रधानमंत्री द्वारा ग्रहण किया जाता है। बैठकों की समस्त कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं वे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं, और मंत्रिमंडल का कोई सदस्य त्यागपत्र देकर ही इन निर्णयों का विरोध कर सकता है। यह है मंत्रिमंडल या कैबिनेट की मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट में मैंने आपको बताया कि ये डिसाइड करना प्रधानमंत्री का अधिकार होता है या उसका कार्य है कि वो डिसाइड करे कि कैबिनेट की मीटिंग कब होगी। जनरली क्या होता है सप्ताह में एक बार तो मीटिंग होती ही होती है, और विशेष परिस्थितियाँ आ जाए तो एक बार से अधिक भी इसकी मीटिंग हो सकती है, एक डे भी डिसाइड किया जा सकता है। और इनमें जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करता है, और बैठकों की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है, जितना बताना होता है सिर्फ उतना ही बाहर प्रेस को मीडिया को बताया जाता है, देश को बताया जाता है, जो गुप्त रखना होता है वो गुप्त रखा जाता है। और जो भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट की मीटिंग में वो सब पर लागू होते हैं, सभी को अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं, और यदि किसी को विरोध करना है तो वो पहले त्यागपत्र देकर ही इसका विरोध कर सकता है। तो ये थे भारतीय मंत्रिमंडल के कार्य, भारतीय मंत्रिमंडल की शक्तियाँ और कार्य। धन्यवाद।